रेडियो कथारत्न, रेडियो कथारत्न स्वतंत्रता दिवस के इस विशेष दिन पर लेकर आया है उस वीर स्वतंत्रता सेनानी के अंतर्धान होने की कहानी, जिसे लेकर देश आज भी चकित है, जिनके इंतजार में वर्षों तक देश की जनता आंखें बिछाए रही, जिनकी मृत्यु भी आज तक रहस्य बनी हुई है। जी हाँ, आज हम आपके लिए देश के सबसे लोकप्रिय नेता नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर आधारित बांग्ला कहानी आमी सुभाष बोलची के अंतर्धान पर्व का हिंदी अनुवाद सुनाएंगे। बांग्ला उपन्यास के लेखक हैं साइलेश डे। अंतर्धान पर्व का हिंदी अनुवाद संजय बोस ने किया है और इसे आवाज रत्ना रॉय और संजय बोस ने दी है। शुरू करते हैं कहानी। मैं सुभाष बोल रहा हूँ। आजाद हिंद रेडियो बर्लिन। मैं सुभाष बोल रहा हूँ। कौन कौन? चौंक उठा सारा भारतवर्ष। कौन बोल रहा है? किसकी आवाज आ रही है इधर तरंगों में? सुभाष, सुभाष, बात फैल गई हर ओर। हमारा सुभाष, वही पहचानी आवाज, वही तेजोमय भंगिमा। बोलो सुभाष, बोलो, हम ध्यान से कान लगाकर सुन रहे हैं तुम्हारी बातें। तुम बोलो। मैं सुभाष बोल रहा हूँ। अब तक आप तक अपनी बातें पहुंचाने का कोई जरिया नहीं मिल रहा था। दुश्मन चाहे जो भी दोषारोप करे, मैं जानता हूं आप उन पर विश्वास नहीं करते। मैं अपना काम कर चला जाऊंगा, कोई क्या कहे ना कहे मुझे फर्क नहीं पड़ता। ध्रुवीय शक्तियों के आक्रमण से अपने साम्राज्य को बचाने के लिए अगर ब्रिटेन को अमेरिका की शरण में जाने से शर्म नहीं आई, तो फिर भारतवर्ष की स्वाधीनता के लिए किसी दूसरे देश से सहायता लेना मेरे लिए न तो अन्याय है ना ही कोई अपराध। आप लोग अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति पर नजर रख तैयार रहिए। मैं जिस भांति ब्रिटिश शासन को धोखे में रखकर भारत से निकलकर आया हूं, ठीक उसी भांति सही वक्त पर आप सभी के बीच हाजिर हो जाऊंगा। जो अवसर अभी सामने है उसका पूरी तरह से सदुपयोग करना होगा। इसके लिए आप सब जाति धर्म के बंधनों को छोड़ एकजुट रहें। जरूरत है एकता की, एकाग्रता की। सुभाष के बाद व्याख्यान था सुप्रसिद्ध पत्रकार डॉक्टर गिरिजा मुखर्जी का और फिर अंत में मिस्टर शर्मा का। वक्तव्य एक ही था, तैयार रहें, दिन आ रहा है। एक एक कर सभी की बातें खत्म होती हैं, पर गुंजन खत्म नहीं हुआ। सभी का एक ही सवाल है, हर दिल में एक ही धुन, यह कैसे मुमकिन हुआ? सुभाष अंतर्धान हुए थे साल 1941 के 17 जनवरी को। आज 7 दिसंबर है। पूरी दुनिया में महायुद्ध चल रहा है। इस वक्त साम्राज्यवादी ताकत के जाल को लांघ कर किस तरह उनके द्वारा 7 समुंदर पार कर सुदूर बर्लिन में पहुंचना संभव हुआ, यह तो अविश्वसनीय, अकल्पनीय, असंभव है। सचमुच अविश्वसनीय। प्रबल पराक्रमी ब्रिटिश साम्राज्य के इतिहास में ऐसे असंभव कृत्य को शायद सोचा भी नहीं जा सकता था। फिर भी यह मुमकिन हुआ और यह हो पाया घोर परिश्रम, कष्ट और दृढ़ विश्वास के कारण। इस इतिहास का अलिखित भाग ही ज्यादा है, कितना थोड़ा सा ही तो लिखा जा सका है। फिर भी लंबी छानबीन के बाद जो कुछ मूल्यवान तथ्य इकट्ठा हो पाया है, आज वो सब तुम्हें एक एक कर सुनाऊंगा मल्लिका। याद रखना, किसी एक का नहीं, इस ऐतिहासिक यात्रा के पीछे हैं अनगिनत नामी गुमनामी देशभक्त, जिनका खुले दिल से साथ न मिलता तो यह दुस्साहसिक अभियान कभी भी सार्थक न हो पाता। तैयारी तो शुरू हो चुकी थी साल 1940 के मध्य से ही। सुभाष उसी समय दृढ़ निश्चय कर चुके थे, विदेश तो जाना ही होगा। हिटलर के हाथों निस्तनाबूद अंग्रेज इस वक्त अपना घर बचाने में व्यस्त हैं। इस दुर्लभ अवसर का लाभ उठाना ही होगा। भारी चोट से इनके साम्राज्यवादी भूख को
हमेशा के लिए शांत कर देना होगा। यहां रहकर यह संभव नहीं, संभव शायद हो भी जाता अगर कांग्रेस से इस मामले में साथ मिल जाता, लेकिन यह आशा तो कब की खत्म हो चुकी थी। अभी भी वे चीर स्थायी आवेदन निवेदन की बंधी बंधाई नीति में ही आस्था रखते हैं। अब भी वे मानते हैं कि इसी तरह गिड़गिड़ाकर एक दिन स्वतंत्रता नाम की यह चीज उनकी मुट्ठी में आ जाएगी। इस हालत में उन्हें कौन समझाए कि सांप को मारने के लिए लाठी की जरूरत होती है, नाग देवता की पूजा से सांप नहीं मरते। कौन समझाए कि सशस्त्र आंदोलन के बिना ब्रिटिश को अपने देश से रत्ती भर भी हिलाना संभव नहीं है। हालांकि कांग्रेस का साथ न मिलने पर भी दूसरे दलों की वफादारी पर कोई संदेह नहीं है। फॉरवर्ड ब्लॉक, बंगाल की क्रांतिकारी संगठन बंगाल वॉलंटियर्स यानी बीवी, अनुशीलन समिति, पूर्णदास की पार्टी, अनिल रॉय और लीला रॉय का श्री संघ और उत्तरी बंगाल के अनेक दलों का दिन रात साथ तो है ही। साहस, शौर्य और बलिदान में इनका कोई सानी नहीं। जहां वार सैनिकों में जो कुछ भी वांछित है वो सब इनमें है। फिर भी इतना ही काफी नहीं, इस महाशक्ति से आमने सामने की लड़ाई के लिए चाहिए और भी बहुत कुछ। चाहिए आधुनिक हथियार, चाहिए दक्ष सेना और भी बहुत बहुत कुछ। इस समय यहाँ यह सब जुटा पाना मुमकिन नहीं, इसलिए हमला तो बाहर से ही करना पड़ेगा। भारत में इस पल आग लगी हुई है। बाहर से ही सही तरीके से हमला करने से महाक्रांति सुनिश्चित है, इसलिए बाहर तो जाना ही होगा। फॉरवर्ड ब्लॉक के एक वरिष्ठ नेता सरदार निरंजन सिंह तालिब को एक दिन खुलकर यह बात बता दिया सुभाष ने। मैं देश से बाहर जाना चाहता हूं सरदार जी, आपका साथ चाहिए, कहिए क्या किया जाए। सरदार जी मन ही मन हंस दिए। सुभाष बाबू जब एक बार तय कर ही चुके हैं तो उन्हें रोकने वाला दुनिया में कोई नहीं है। ठीक है, सोचते हैं क्या किया जाए। सोचते हुए उन्हें याद आए एक खास इंसान, बलदेव सिंह। जमशेदपुर के विशिष्ट व्यवसायी हैं बलदेव सिंह, ताकतवर इंसान और वफादार भी। उन्हें यह बात बताऊं, शायद कुछ बात बने। सुनते सुनते चेहरा खिल उठा बलदेव सिंह का। बेहतरीन, ऐसी हिम्मत तो सुभाष बाबू जैसे आदमी ही दिखा सकते हैं, पर काम मुश्किल है, खतरनाक भी। सुभाष बाबू के बारे में पुलिस अधिकारी हमेशा ही सजग रहते हैं, खासकर इस लड़ाई के समय में तो और भी। हो सकता है चुपके चुपके लगातार ही उन पर नजर रखी जा रही हो। इस हालत में उनके लिए ऐसा कदम उठाना कैसे मुमकिन होगा। इसके अलावा उत्तर पश्चिम के सीमावर्ती इलाके में लड़ाका जनजातियों को पार कर अफगानिस्तान में घुस पाना इतना आसान नहीं है। यह मार्ग जितना कठिन है उतना ही खतरनाक भी। वैसे इसके लिए पीछे हटने से काम नहीं चलेगा, जोखिम तो लेना ही होगा। इसके लिए सबसे पहले जरूरत एक बेहद वफादार इंसान की जो इस काम का जिम्मा संभाल सके। कहाँ मिलेगा ऐसा आदमी? सहसा उन्हें याद आ गया, आदमी की कमी कहाँ है। पंजाब की कीर्ति किसान पार्टी के कॉमरेड अक्षर सिंह तो इस वक्त छुपकर मेरे ही घर में है, उन्हीं से पूछता हूं। सुनकर खुशी खुशी राजी होते हैं अक्षर सिंह, मुझसे जो कुछ हो पड़ेगा जरूर करूंगा। तुरंत खबर पहुंच जाती है पंजाब की कीर्ति किसान पार्टी के पास। सुभाष बाबू के लिए इस काम का जिम्मा लेना ही होगा, बताओ सब राजी हैं? राजी हैं। कीर्ति किसान पार्टी का जवाब सही वक्त पर आ गया। कॉमरेड रामकिशन को जिम्मेदारी दी गई है, वो आपसे मिलेगा। कुछ ही दिन बाद अक्षर सिंह और रामकिशन सिंह निकल पड़ते हैं पेशावर के मर्दान जिले की ओर। वहां कॉमरेड भगत राम से मिलना जरूरी है। भगत राम सिर्फ कीर्ति किसान पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि फॉरवर्ड ब्लॉक के भी एक समर्पित कर्मी है। ये पहाड़ी इलाका इनके लिए अपने हथेली की तरह है। अफरीदी और मोमान जैसे जनजातियों के साथ इनका काफी याराना है, अक्सर इन इलाकों में इन्हें घूमना पड़ता है, इसलिए सिर्फ वो ही सुभाष बाबू को सरहद पार करा सकते हैं। सुभाष बाबू, ओए होए, ये हुई ना शेर दा पुत्र वाली बात, असी तैयार हैं। सुभाष बाबू के लिए कुछ भी करूंगा, जान निसार है। जाबाज कार्यकर्ता है ये भगत राम। इनके बड़े भाई हरकिशन
पंजाब के गवर्नर की हत्या के मामले में फांसी पर झूल चुके हैं, पर भगत राम बेफिक्र हैं। वो बदले की ठान चुके हैं। जिन्होंने उनके बड़े भाई की हत्या की है, उनके खून से हाथ रंगने ही होंगे। अपनी जिम्मेदारी समझकर तत्परता से काम पर जुट गए हैं भगत राम। सुभाष बाबू शेर का पुत्र हैं। जैसे भी हो, उन्हें सरहद पार कराना ही होगा। वो जो चाहते हैं वो होगा, भारत आजाद हो। काम आगे बढ़ता रहा तेजी से, तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। अचानक विपत्ति आती है एक विशेष घटना के कारण। हॉलवेल मॉन्यूमेंट आंदोलन की तारीख तय हुई थी 3 जुलाई 1940 की, लेकिन इससे पहले ही सुभाष को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया गया। नतीजतन सब कुछ ठप हो गया कुछ समय के लिए। सुभाष थे प्रेसिडेंसी जेल में, इसका परिणाम भी अच्छा ही निकला। कैद में साथ मिल गया था हेमचंद्र घोष, सत्य बख्शी, मनिंद्र कुमार राय जैसे कुछ प्रमुख विप्लवी नायकों का, तो फिर शुरू हो गया मंत्रणाओं का एक नया दौर। अब क्या किया जाए? इतना आगे बढ़ जाने के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा मौका दोबारा मिलना मुश्किल है। किसी भी कीमत पर हर हाल में इसे सार्थक करना ही होगा, पर कैसे? बिना मुकदमे के कारागार में बंदी जब जी चाहे बाहर तो नहीं आ सकता। हाँ, आया जा सकता है। पहले तो मालूम नहीं था, पर अब यह रहस्य अनजान नहीं था सुभाष के लिए। बिना विलंब किए उन्होंने बड़े भाई शरद बोस के पास गुप्त संदेश भेजा। बंगाल वॉलंटियर्स के जतीश गुहा के माध्यम से परेश राय से संपर्क कर सब कुछ पता कर लीजिए। जतीश गुहा एक सुपरिचित क्रांतिकारी थे, परंतु परेश राय कौन है? वो क्या परिचय है उनका? अग्नि युग के इतिहास में परेश राय जैसे विचित्र चरित्र तुम्हें और कहीं नहीं मिलेगा मल्लिका। दोस्तों रिश्तेदारों के बीच वह एक गया गुजरा व्यक्ति था। सभी को मालूम था वह एक भेदी था। देशद्रोहिता ही उसका एकमात्र पेशा था। परेश राय शांत, निशब्द, और करे भी तो क्या? पैसों के लिए जो इंसान अपने देश के साथ दगाबाजी करे, उसे कुछ कहने की हिम्मत ही कहां से हो, खासकर इस युग में। पर क्या यही सच है? क्या सचमुच वो भेदी ही है? गलत है मल्लिका, सरासर गलत। अपने दल के लिए और खुद को संदेहों से दूर रखने के लिए दुनिया भर की घृणा और अवहेलना को दिल पे लेकर भी दिनों दिन वह जो कठिन काम परेश राय करते रहे, वह बंगाल वॉलंटियर्स के चंद लोगों को ही मालूम था, और किसी के लिए यह पता चलना असंभव था। सचमुच असंभव को संभव किया था परेश राय ने। एक गोरे आईसीएस ऑफिसर को जिस तरह शीशे में उतारा था परेश ने, उस बेचारे के लिए तो अब चू तक करना भी मुमकिन नहीं होता था। यह अफसर बला का शराबी था। तनख्वाह के सारे पैसे शराब की दुकान को भेंट हो जाता था, और फिर पहले ही हफ्ते में जेब खाली और परिवार में लड़ाई। मौके पर चौका मारते परेश राय, पियो भाई पियो, जितना चाहे पियो, पियोगे नहीं तो जियोगे कैसे? पैसे ना ना, इस गरीब के रहते तुम पैसों की तो चिंता मत करो, तुम सिर्फ पीते जाओ। पर मेरे भाई, मैं तो नगद का व्यापारी हूं, वापसी भी मिल ही जाए तो भला, ज्यादा कुछ नहीं, कभी कभी एक आध फाइल ले जाऊंगा। ना ना, डरने वाली कोई बात नहीं है, किसी को मालूम नहीं होगा। दो एक दिन में जहां की चीज वहीं वापस सजा कर रख दूंगा, कहो मानते हो? ना मानकर कोई और रास्ता भी कहा था। एक ओर मैं खाना, दूसरी ओर परिवार, खर्चे आसान तो नहीं थे। नतीजा, पुलिस की सारी गतिविधियां बीवी की जानकारी में रहती थी, यहां तक कि कब किसे और कैसे गिरफ्तार किया जाना है वह भी पता रहता था पहले से। शुरू में तो विश्वास ही नहीं हुआ सुभाष को, पुलिस के दफ्तर से गुप्त फाइलें निकाल लाना, यह तो अविश्वसनीय है ही।
वो भी एक अंग्रेज ऑफिसर के पास से, ये नहीं हो सकता। मन ही मन हंस रहे थे मित्र और क्रांतिकारी नायक सत्यबख्शी। और फिर एक दिन एक फाइल वे सुभाष के हाथ में सौंपते हैं। अब यकीन होगा। अरे, सुभाष वाक्रुद्ध होते हैं। ये तो उन्हीं के बारे में पुलिस की गुप्त रिपोर्ट है। ये फाइल कहां से आई, कौन लाया? और कौन, परेश राय? उनके अलावा ऐसा कलेजा और किसके पास है? उस दिन खुश होकर ढेर सारे रुपयों की व्यवस्था कर दिए थे सुभाष। इसे चलाए जाना होगा, जासूस पर जासूसी बरकरार रखना होगा। ये जरूरी है, सचमुच ही जरूरी है। जरूरी है तभी तो ऐसे समय में सुभाष स्मरण कर रहे थे सबसे उपेक्षित उसी परेश राय को। जेल से उन्होंने निर्देश भेजा, परेश राय से संपर्क करें। खबर मिलते ही परेश राय तुरंत ही हाजिर हो गए उसी हुजूर के दरबार में। कैसे हैं साहेब? इश, सूख कर आधा हो गए हैं। वो कहते हैं ना, पहले शरीर उसके बाद कुछ और। शरीर गया तो फिर क्या रह जाएगा? खैर, एक काम की बात कहता हूं। फिर शुरू हुआ जोड़ तोड़। जैसा भी है तो अंग्रेज, ऊपर से शुद्ध आईसीएस ऑफिसर। इस बारे में वो किसी भी तरह मुंह खोलने को तैयार नहीं। परेश राय भी कहां छोड़ने वाले, मुंह खुलवा कर ही मानेंगे। मुंह खोले बिना जाए कहां? तनख्वाह तो अभी ही पूरा फूंक कर बैठा है। अब तो हाथ पसारना इसी परेश राय के पास ही पड़ेगा। तो भाई, हाथ जब पसारना ही होगा तो बेकार की शर्म छोड़कर अभी ही हाथ पसार लो। मोटी रकम ऐठे बिना तो वो मुंह खोलने वाला नहीं समझ रहा था। आखिरकार एक मजेदार रिपोर्ट परेश राय की ओर से पाया गया। सुभाष बाबू को बीमार होने कहिए और शरद बाबू से कहिए दो एक दिन बाद उनकी मुक्ति के लिए आवेदन जमा करें। बस उसी से काम हो जाएगा। खबर पहुंच गई कारागार के अंदर, तुम्हें बीमार होना है सुभाष, उसके बाद जो करना है बाहर से हम लोग करेंगे, तुम निश्चिंत रहो। इसी बीच जेल में रहते हुए ही सुभाष बिना प्रतिद्वंदी के केंद्रीय कानून सभा में निर्वाचित हुए अक्टूबर के 28 तारीख को। उसके ठीक एक महीने बाद नवंबर के 29 तारीख को नींद से जागकर पूरा देश एक अविश्वसनीय खबर सुनकर स्तंभित हो गया। कैद से मुक्ति की मांग पर सुभाष ने अनशन आरंभ किया है, आमरण अनशन। प्रतिवाद की लहर उठी देश के चारों ओर। सुभाष को बिना मुकदमे के कैद नहीं रखा जा सकता, उन्हें मुक्त करना ही होगा। इस मांग को और जोर शोर से उठाया श्रद्धेय शरद बाबू ने। सुभाष को मुक्त करें, इस तरह कैद में रखना गैर कानूनी है। मुक्ति मिली दिसंबर के 5 तारीख को। लगभग इसी वक्त एक और को भी मुक्ति मिली थी, खराब स्वास्थ्य के कारण। वो थे बीवी के प्रमुख कर्मी श्री सत्यबख्शी। अब शुरू हुआ सुभाष के जीवन का एक नया अध्याय। वे अब किसी से नहीं मिलते, यहाँ तक कि सबसे करीबी सहयोगियों से भी नहीं। कमरे में बंद हो साधना और धर्म चर्चा में ही मगन रहते हमेशा। लेकिन अंदर ही अंदर वही आग जल रही थी, जाना है, बहुत दूर जाना है, इस मौके को गंवा नहीं सकते। पर पहले के कई संपर्क अब टूट चुके थे। कहाँ है वो जावाज भगत राम? इस विशाल देश में अब कैसे ढूंढा जाए उन्हें? ना, कोई उपाय नहीं था, फिर से नए सिरे से कोशिश करनी होगी। संपर्क किया गया उत्तर पश्चिम सीमांत प्रदेश के फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता पेशावर के अकबर शाह से। बात तो वही थी, एक वफादार व्यक्ति चाहिए, एक ऐसा साहसी इंसान जो किसी डर की परवाह किए बगैर सरहद पार करा सके। बड़ी तलाश के बाद आखिरकार मिला एक ऐसा इंसान। अकबर शाह बहुत खुश हुए, सच्चा आदमी है। मल्लिका जिसे ढूंढ कर निकाला गया वो और कोई नहीं, वही भगत राम थे। क्या संयोग था, भगत राम उसी जोश में थे। जबान दिया हूँ सुभाष बाबू को, काबुल पहुंचा कर ही वापस आऊंगा, जान निसार है उनके लिए। तैयारियां फिर जोर पकड़ने लगी। भगत राम के जरिए फिर वही पंजाब की कीर्ति पार्टी, जो हर सहायता के लिए तैयार थी, अब भी तैयार है। तैयारियां बंगाल में चल रही थी, सबसे ज्यादा सक्रिय थे सत्य बाबू।
अस्वस्थता के बावजूद सारी तैयारियों का भार उठा रखा था, कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहते थे। इसी बीच कीर्ति किसान पार्टी के 3 सदस्य कलकत्ता पहुंचकर एक होटल में ठहरे थे। उद्देश्य आमने सामने मिलकर बात करनी है। सत्यबाबू ने तुरंत ही बीवी के विश्वस्त नेता विनय सेन गुप्ता को वहां भेजा, जाओ बातचीत कराओ, शुरू में ही अपना कोडवर्ड बताना मत भूलना, जो बातें होती हैं वो मुझे आकर बताओ। यथा समय सही स्थान पर पहुंचते हैं विनय बाबू, जानकारी बिल्कुल सही थी। अंदर 3 ही लोग थे, सभी पंजाब से थे। बहुत सारी बातें हुई बंद कमरे में और अंत में यह तय हुआ कि 7 दिनों के बाद यहाँ से एक व्यक्ति लाहौर जाएंगे, भविष्य की तैयारियों की जानकारी उन्हीं को बता दी जाएगी। तयशुदा दिन में एक प्रतिनिधि छद्म वेश में लाहौर की ओर चले। वेश था एक रईस मुसलमान का, ठहरना भी हुआ एक मुसलमान होटल में। ठहरना ही था, पक्का मुसलमान है ना, दूसरे होटल में रहने से शक हो सकता है। मुश्किल आई दस्तरखान पर, हे भगवान, यहाँ तो रोटी के साथ निषिद्ध मांस भी है, अब कोई चारा नहीं। थोड़ी हिचकिचाहट थी पर फिर आराम से खाने को अपनी ओर खींच लिया। संस्कार देश से बड़ा नहीं, नहा कि शक की गुंजाइश नहीं छोड़नी है। 3 दिनों बाद प्रतिनिधि वापस आ गया, सारी बातचीत को अंतिम रूप देकर। कलकत्ते से काबुल तक का सारा प्लान तैयार था, दिन भी तय थे, अब सिर्फ इंतजार। अब एक बड़ी समस्या थी पैसों की, बहुत सारे पैसे चाहिए। इतने लोगों से संपर्क बनाए रखना, सभी ठिकानों को सुरक्षित रखना, इन कामों में बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। दल की महिलाओं से बात की गई, स्वाधीनता संग्राम में महिलाओं की भूमिका कोई कम नहीं थी। कितनी ही माँ, भाभी, स्नेहमयी दीदी इन सेनानियों को धैर्य और सहानुभूति के साथ बाधाओं और विपत्ति से बचाती थी, यह इतिहास में कहीं नहीं लिखा है। क्रांतिकारी उज्ज्वला मजुमदार, उषा सेन आदि नेतावृंद आगे बढ़कर काम पर लग गईं। काफी जेवर इकट्ठे हो गए, स्त्रियों ने अपने प्रिय अलंकार स्वेच्छा से देश के स्वाधीनता संग्राम के इस दुस्साहसिक कार्य में समर्पित कर दिए। उज्ज्वला मजुमदार, नाम पहचाना सा लग रहा है न मल्लिका, तुमने ठीक पहचाना, यही उज्ज्वला मजुमदार बंगाल के गवर्नर एंडरसन को गोली मारने के आरोप में आजीवन काला पानी की सजा से दंडित हुई थी, अब वे उज्ज्वला रक्षित हैं। बीवी के विशिष्ट सदस्य कॉमेट दासगुप्ता उन दिनों नॉर्थ बैंक में काम करते थे, उन्हीं की सहायता से गिरवी रखकर कुछ पैसों का इंतजाम हुआ। पर समस्या का यह स्थायी समाधान तो नहीं था, इतना सा पैसा आखिर कितने दिनों तक चलेगा। जमशेदपुर के एक विशिष्ट इंजीनियर पांजा बाबू से संपर्क किया गया, कारण मत पूछिए, समय आने पर पता चल जाएगा। पांजा बाबू बिना शर्त पैसे देते रहे, तब तक देते रहे जब तक कि उन्हें मना नहीं किया गया। पैसों का इंतजाम हो चला है, सहयोगियों में नए उत्साह का संचार हो गया है, अब चिंता की कोई बात नहीं। उधर पंजाब और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रदेश में भी यही आवाज है, अब समय नहीं बचा, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। भगत राम ने भी आवाज लगाई, तैयार रहे भाई लोग, होशियार, टाइम आ गया है। लोगों की नजर से दूर रहते हुए भी सुभाष बाबू कैद के दिनों के अपने साथी क्रांतिकारियों को नहीं भूले थे। विदा दोस्तों, विदा, अब फिर कब मुलाकात होगी मालूम नहीं, भविष्य में कभी मिलना होगा भी या नहीं पता नहीं, आप सब कभी बुलाए नहीं जा सकते, कभी नहीं। और अंततः आ ही गया साल 1941 की 17 जनवरी, स्वाधीनता संग्राम के इतिहास का वह अविस्मरणीय दिन। सुभाष तैयार थे, तैयार कॉमरेड भगत राम भी थे, तैयार थे उत्तर पश्चिम सीमांत प्रदेश के फॉरवर्ड ब्लॉक नेता अकबर शाह भी और कीर्ति किसान पार्टी के कार्यकर्ता भी, तैयार तो बंगाल वॉलेंटियर्स के प्रमुख नेतावृंद भी थे। मुहूर्त आने को है, अब यात्रा के आरंभ होने की बारी थी।
रात के तब 1:25 हुए थे। पूरा एल्गिन रोड तब निस्तब्ध निद्रा में लीन था। न कोई रोशनी, न इंसान, न कोई कोलाहल, केवल तारे थे आसमान में टिमटिमाते हुए। धीरे धीरे उठकर खड़े हुए सुभाष, अब निकलना होगा, अब और देर नहीं। पर ये कैसे सुभाष है, विराट बलिष्ठ एक पठान युवक के वेश के पीछे अब तक के जाने पहचाने सुभाष तो जैसे खो ही गए हैं। लग रहा है जैसे ये कोई और ही है, पहचाने ही नहीं जा रहे। अब चलना होगा सुभाष को। इस घर की मिट्टी उसे कितनी प्यारी थी, कितनी ही यादें बसी हैं इन कमरों में। खट्टे मीठे यादों को छोड़ आज चल पड़ना है, एक वृहद कर्तव्य की प्रेरणा के साथ। कुछ लम्हे गुजरते ही सुभाष खामोशी से बिना इधर उधर देखे नीचे उतरते हैं। पीछे मुड़ने का अब वक्त नहीं है, सामने कठोर संग्राम है। ये लड़ाई ही उनके जीवन की एकमात्र सच्चाई है, एकमात्र लक्ष्य है। रात के सन्नाटे को चीरती एक मोटर गाड़ी सहसा तेज गति से निकलती है एल्गिन रोड के मकान से। धीरे धीरे छोटी होती गाड़ी कुहासे में विलीन हो गई। रात के 1:35 सड़क सुनसान, मात्र 2 लोग हैं गाड़ी में, गाड़ी का चालक और सुभाष, दोनों ही खामोश। हर सवाल और जवाब शायद गुम हो गया है उस रात के सन्नाटे में। हावड़ा, बेलूर, बाली, उत्तरपाड़ा, चंदन नगर, स्टेयरिंग को सख्त हाथों से संभाल रखा था चालक ने, सर पर एक बड़ी जिम्मेदारी थी। सुभाष मात्र उसके अपने चाचा ही नहीं, बल्कि तमाम मुल्क के करोड़ों हृदय की आशा और भरोसे के प्रतीक भी थे। पुलिस की नजर से बचाकर जैसे भी हो उन्हें तय स्थान पर पहुंचाना ही होगा। सुभाष की अधबुझी आंखों में अनगिनत तस्वीरें एक के बाद एक लहर की तरह निकल रही थी, भविष्य की उज्जवल तस्वीरें। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट, कदम से कदम मिलाती भारत की अपनी सेना। बढ़ चले हैं तरुण सेनानी मुक्ति की लड़ाई में, चली है नारी वाहिनी। उनके गले में जंजीरों को तोड़ने वाला गीत है, आजादी हमारा हक है, आजादी हमें चाहिए। बुम बुम बुम, विस्फोटों के साथ एक एक कर साम्राज्यवादी ताकतों के किले ढह रहे हैं, गिर रहे हैं उनके दम्भ और हिम्मत के प्रतीक यूनियन जैक। इसके स्थान पर लाल किले में लहरा रहा है स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय झंडा। अनजाने में ही आंखों में एक ज्योतिर्मय पुरुष की छवि आ गई, विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। शक्ति दीजिए स्वामी जी, शक्ति दीजिए, आपका आशीर्वाद चाहिए इस बड़ी जिम्मेदारी को वहन करने की। चुचुड़ा, बैंडल, शक्तिगढ़, वर्धमान, आसनसोल, बराकर ब्रिज, सहसा कुछ देखकर चालक फिर सजग हो उठा। स्पीडोमीटर का कांटा थर थर कांप उठा। स्पीड और स्पीड और स्पीड, पूरब में आकाश खुलने लगा है, अंधेरा फीका होने को है, भोर होने से पहले ही पहुंचना है तय ठिकाने पर। भले ही एक पठान जैसा वेश बदले हो सुभाष, सुभाष तो सुभाष ही है, असाधारण व्यक्तित्व के स्वामी है, अनोखा उनका रूप है। ऐसे असाधारण रूप को मात्र दाढ़ी मूछ से छिपाना इतना आसान नहीं। गाड़ी आकर रुकी धनबाद के समीप एक बंगलों के सामने। आज के लिए यात्रा यहीं तक, यात्रा फिर शुरू होगी सूर्यास्त के बाद। सुभाष को जगह मिली मकान के एक बाहरी कमरे में, खाना पीना भी उसी कमरे में दिया गया, और कोई उपाय भी तो नहीं था। भले ही वो एक इंश्योरेंस कंपनी के शिक्षित एजेंट बनकर आए थे, पर थे तो वो एक अनजान पठान युवक। घर के अंदर महल में जगह नहीं हो सकती थी, सचमुच पठान ही थे, सच्चा पठान। बांग्ला ना तो बोल पाते हैं ना ही समझ पाते हैं, तो बातचीत जो कुछ भी होती अंग्रेजी में ही, ज्यादातर इंश्योरेंस से संबंधित बातें। मकान में नौकर चाकर भरे हुए थे,
न मालूम किसके मन में क्या हो, इसलिए सावधानी जरूरी है। गोमो जंक्शन, एक ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़, नीचे रेल लाइन चली जा रही है दूर तक। रात गहरी है, चारों ओर अंधेरे की चादर बिछी हुई, बीच बीच में कुछ चिड़ियों की आवाज, इसके अलावा सिर्फ सन्नाटा। थोड़ी दूरी पर छुप कर खड़ी है एक नीली मोटर गाड़ी, अंदर कुल चार सवार, उनमें से एक महिला भी थी। हावड़ा से आने वाली दिल्ली कालका मेल के पहुंचने में अभी देर है, शायद एक घंटा और इंतजार करना होगा। मध्य रात्रि में सोता हुआ गोमो जंक्शन जाग उठा, सिग्नल डाउन, गाड़ी आने वाली है। इंजन की रोशनी से जगमगा उठा है पूरा स्टेशन। धीरे धीरे मोटर स्टेशन की ओर बढ़ती है, समय आ गया है, अब सुभाष को विदा करना है। पल भर में तैयार हो गए सुभाष, इधर उधर एक नज़र दौड़ाकर गाड़ी से उतरे और दृढ़ कदमों से स्टेशन की ओर बढ़ गए। अलविदा, अब तुम लोग वापस जाओ। रात के अंधेरे में तीन जन खामोश स्थिर अवस्था में देखते रहे सुभाष के तेज बढ़ते कदमों और मजबूत काठी को। सुभाष बढ़े जा रहे हैं, कितने ही ग्रीष्म वर्षा बसंत के सुख दुख से जुड़ी घटनाओं को पीछे छोड़कर देश की आज़ादी के सपने को साकार करने के लिए बढ़े जा रहे हैं। वो रेलगाड़ी सुभाष को लेकर अंधेरे में विलीन होती जा रही है, उसके पीछे की लाल बत्ती छोटी होते होते गायब सी हो गई है। हे सर्वत्यागी रुद्र सन्यासी, इस समय आंसुओं से आपकी यात्रा को कमजोर नहीं करेंगे, आप चलिए, आपकी यात्रा शुभ हो। फिर आप लौटेंगे अपना व्रत पूरा कर, आप लौटेंगे आज़ाद भारत में, आप लौटेंगे विजयी होकर। तब तक हिमालय से समुद्र तक ये देश आपका इंतज़ार करेगा। आपको ये कहानी कैसी लगी? आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में जरूर दें, लाइक और शेयर भी करें ताकि हमारी कहानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लें।